Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is chemical properties of thiophene. क्या चीज chemical property किसका? Thiophene का. आपको बता दें कि पिछले क्लास तक हम लोग synthesis thiophene का देख चुके हैं. अगर आपका synthesis वाला वीडियो मिसिंग है तो जाकर के YouTube पे टाइप कीजिए synthesis of thiophene by learn with Utkarsh, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिल जाएगा. उसको पहले देख लीजिए फिर इसको देखिएगा, ठीक है. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कह सकते हो कि पायरोल का, फ्यूरेन का, थायोफिन का या आगे चल के जो भी हम सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी पढ़ेंगे, क्या केमिकल प्रॉपर्टी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है. हर एक केमिकल प्रॉपर्टी आपका ये सब केवल क्या बोलते हैं उसको एग्जाम के लिए, मतलब कि आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. साथ ही साथ ये जो है आपका कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम लीजिएगा तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. इसका वेटेज बहुत ज्यादा अच्छा होता है. तो इसी के चलते इस चैप्टर को आप अच्छा से पढ़िएगा. हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहे हैं. तो जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पायरोल और फ्यूरेन से सिमिलर होगा उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. आपको बोलेंगे कि आप खुद से कीजिए, नहीं आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर जाकर के पायरोल और फ्यूरेन से जैसे उसी मैकेनिज्म को सेम टाइप से किए हैं उसी को देख करके आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, तब जाकर के फिर आपको याद हो जाएगा. इसीलिए उसको हम स्किप करेंगे. कहाँ पे कौन सा रिएक्शन में आपको हम बता देंगे. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो हम केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सल्फोनेशन. क्या चीज? सल्फोनेशन. केवल आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ थायोफिन का हेडिंग लगा लीजिए और वेट कीजिए, सल्फोनेशन कंप्लीट करेंगे फिर आपको लिखने के लिए टाइम देंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर बीच में लिखेगा तो आपको थोड़ा अच्छा से समझ में नहीं आएगा. तो समझिए पहले, उसके बाद आपको हम लिखने के लिए टाइम देंगे. नहीं और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप पेशेंस लेवल बनाए रखिएगा, नहीं क्योंकि पेशेंस बहुत ही जरूरी है. तो सबसे फर्स्ट हम क्या बोले केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन, ठीक है. सल्फोनेशन आइए इसका देखते हैं रिएक्शंस, फिर इसका क्या करेंगे मैकेनिज्म्स करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इसका. तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसका रिएक्शंस का. तो रिएक्शंस में कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थायोफिन. यही है स्ट्रक्चर थायोफिन का, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड. इसका रिएक्शंस आपको कराना है कॉन्क H2SO4 के साथ. किसके साथ? कॉन्क H2SO4 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर. किसके प्रेजेंस में? रूम टेम्परेचर के प्रेजेंस में. आप सभी लोग को मालूम होगा कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो रूम टेम्परेचर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराना है. तो जाकर के आपका जो यहां से प्रोडक्ट बनेगा वो दो दो प्रोडक्ट बनता है. फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है आपका कुछ ऐसा SO3H, और सेकेंड पोजिशन जो है आपका सेकेंड प्रोडक्ट जो है आपका कुछ बनता है ऐसा. सेकेंड पोजिशन पे SO3H लगता है, नहीं फर्स्ट वाले में आप देखिए थर्ड पोजिशन पे लगा है SO3H और सेकेंड वाले में लगा है सेकेंड पोजिशन पे SO3H. इसका नाम क्या है? थायोफिन 3 सल्फोनिक एसिड. और इसका क्या नाम है? थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड. ये थर्ड पोजिशन पे लगा है इसीलिए क्या इसका नाम है? थायोफिन 3 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड. और इसका क्या नाम है? थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड, नहीं थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड. आपको बता दें कि हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां पे करा रहे हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ही ये एग्जांपल है आपका सल्फोनेशन. और यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू पोजिशंस पे होता है, जैसे पायरोल में हो रहा था, फ्यूरेन में हो रहा था. तो यहां से क्वेश्चंस एक आप अराइज कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पायरोल में, फ्यूरेन में और यहां पर भी जब पोजीशन नंबर 2 पे हो रहा है तो आप यहां पे 3 नंबर पे क्यों लिख दिए प्रोडक्ट में? यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 पोजीशन पे होना चाहिए था. आपको बता दें कि यहां पे ये जो थायोफिन 2 थायोफिन 3 सल्फोनिक एसिड होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है, नहीं ये आपका एक एक्सेप्शन केस होता है. एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है केमिस्ट्री में बोलिए तो, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है, इसके कारण ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है. लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि ज्यादा फेवरेबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पोजीशन नंबर 2 होता है. तो यहाँ पे 3 होने का कारण क्या है कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है. बाकी जितना भी रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी का करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल करेंगे, सारा में जो हम देखेंगे वो 2 पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. आपको बता दें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारा पोजीशंस पे होता है, लेकिन जो है ज्यादा वेटेज कहां पे है उसका बात करें तो 2 पोजीशंस पे होता है, ठीक है.
तो आपसे अगर कोई पूछे कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, होना चाहिए ऐसा टू पे लेकिन हो रहा है मेजर थ्री पे, तो आपको रिएक्ट क्या बोलना है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। सेम काम पैरोल और फ्यूरेन के केस में भी हुआ था, नहीं तो ये नया नहीं है चीज, आपको बस हम एक बार क्या किए याद दिला दिए। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म्स, नहीं आइए हम इसका क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। इसका मैकेनिज्म जो है आपका वो फोर स्टेप में होने वाला है। सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें स्टेप वन की, तो क्या होगा सो देखिए, यहां पे जो हम लोग H3SO4 यूज कर रहे हैं वो दो मोल यूज कर रहे हैं। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखिए। सबसे फर्स्ट H2SO4 जो है कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड ओ एच और एक और मोल हम लोग यूज कर रहे हैं। हम क्या बोले कि यहाँ पे H2SO4 हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, दो मोल यूज कर रहे हैं। करेंगे क्या कि यहां से हम वाटर बाहर निकाल देंगे, नहीं तो जब वाटर आप बाहर निकालिएगा तो क्या होगा सो देखिए, आप हमको बताइए जब हम वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा सो देखिए, HO S डबल बॉन्ड O, यहां से O, इसका S डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, यहां तक ये बचा था और ये वाला पोर्शन, दोनों को हम बस एड अप करते हैं। आप देखिए ये जो है आपका क्या है, ओलियम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ओलियम का। हाइड्रोजन क्या है, दो है, सल्फर कितना है, दो है, और फिर ऑक्सीजन कितना है, सेवन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होता है ओलियम का फॉर्मूला, H2S2O7, ये क्या है आपका ओलियम है, ये ओलियम का स्ट्रक्चर है। तो आपको हम बता दें क्या ये क्या है, ओलियम है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हम जानकारी के लिए बता दें। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहां ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां से ये जो है H प्लस बाहर जाएगा। तो ये H प्लस जो है कहां पे जाके अटैक करेगा, ये O माइनस के पास, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसके पास डोनेट करेगा, H प्लस के पास डोनेट करेगा और ये O के और H जो है आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से क्या होगा आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, यहां पे देखिए S डबल बॉन्ड O ऊपर में, डबल बॉन्ड O नीचे में, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां डबल बॉन्ड बना लिया, तो यहां भी O, ठीक है, ये क्या हो गया आपका SO3 हो गया। और आपको बता दें कि यही SO3 आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। साथ ही साथ क्या बनेगा, इसके ऊपर O माइनस आया है, इस H प्लस को ले लिया तो क्या बना लिया, OH बॉन्ड बना लिया, और बाकी सब कुछ हम सिमिलर वही लिखते रहे हैं। ये देखिए फर्दर आपका H2SO4 हो गया और यहां से जो वाटर निकला इसी वाटर को यहां पे हम लिख दिए हैं H2O, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, ये है आपका SO3 का स्ट्रक्चर। और आपको बता दें कि यही आपका क्या है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। आपको हम बता दें कि ये जो है आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर है और यहां पे वाटर है, तो ये जो है आपका ये फॉर्म में नहीं रहता है, ये आपस में रिएक्शन कर जाता है और ये हो जाता है आपका HSO4- और फिर साथ ही साथ H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये इस फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करके इस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो आपको यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, साथ ही साथ क्या मिला, HSO4- H3O+। अब क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा देंगे थायोफिन के साथ, थायोफिन के साथ इसका क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टेप टू का, इधर का बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप टू का। स्टेप टू में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं सो देखिए, स्टेप टू में हम लोग ला रहे हैं नॉर्मली थायोफिन को, इसको थायोफिन को ला रहे हैं, ठीक है। थायोफिन का स्ट्रक्चर कुछ यही है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या था, SO3 था, तो SO3 के साथ इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां से आप देखिए कि क्या बनेगा, हम क्या बोले कि थ्री वाला जो है प्रोडक्ट मेजर होता है, तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म्स होगा। अगर आपको थ्री पोजीशंस पे बनाना है SO3H, मींस ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनाना है थायोफिन 3 सल्फोनिक एसिड, तो आपको इस पोजीशंस पे लगाना होगा, और अगर आपको टू पोजीशंस पे बनाना होगा तो आपको इस पोजीशंस पे लगाना होगा। तो थ्री पोजीशंस और टू पोजीशंस दोनों में से हम एक ही को मैकेनिज्म बता रहे हैं, जो मेजर वाला है उसको बता रहे हैं, माइनर वाला कई मैकेनिज्म्स आप सेम वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको SO3H लगाना है, तो करना क्या है आपको कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसा नीचे से दिखाना होगा और ये जाके सल्फर पे अटैक करेगा, ठीक है। अगर हमको टू पे करना रहता तो ये बॉन्ड यहां से आपका जाके ब्रेक होता सल्फर पे, ठीक है। और जैसे ही ये बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड जाके जैसे ही सल्फर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा।
तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, यहां से कुछ आपका बन जाएगा ऐसा, ये सल्फर, यहां पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन और यहां ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कुछ ऐसा बन जाएगा स्टेप टू में। स्टेप थ्री में क्या होगा सो देखिए, स्टेप थ्री में जो है लॉस ऑफ प्रोटोन होगा, क्या होगा लॉस ऑफ प्रोटोन होगा, कैसे वो देखिए, लॉस ऑफ प्रोटोन होगा। देखिए इसी को हम यहां पे लिख रहे हैं सीधा, ऐसे समझिए, ये है आपका H और यहां पे आपको बता दें ये है SO माइनस डबल बॉन्ड ओ, नहीं इसको ऐसे दिखाइए यहां पे थोड़ा सा, यार ये स्ट्रक्चर को थोड़ा हम और बेटर वे बना रहे हैं आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, यही वाला स्ट्रक्चर को यहां हम लिटो कॉपी कर रहे हैं, तो ये है आपका एस ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ और यहां पे आपका हाइड्रोजन है और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे इस कार्बन पे, यही ऊपर वाला हाइड्रोजन को नीचे लिखा है, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो होगा क्या सो देखिए, यहां से होगा क्या कि इस कि आएगा आपका क्या चीज HSO4- कहां से आया, ये वाला HSO4- और ये HSO4- क्या करेगा कि इस H+ को ले लेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस H+ को ले लेगा और यहां से क्या निकल जाएगा आपका H2SO4 निकल जाएगा, H+ को लेकर के H2SO4 निकल जाएगा और यहां पे बॉन्ड बना लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो जाकर के आपका यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से जाकर के आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा HO माइनस डबल बॉन्ड ओ। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम लोग करेंगे गेन ऑफ प्रोटोन, क्या चीज गेन ऑफ प्रोटोन, जो हम आपको प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आपको सेम वही काम करना है। इस स्ट्रक्चर में क्या करना है हमको, गेन ऑफ प्रोटोन करना है। तो यहां देखिए ये है आपका कुछ ऐसा सिमिलर, वही हम काम कर रहे हैं HO माइनस डबल बॉन्ड ओ, यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड, क्या करेंगे कि आपका जो H3O प्लस है इसी को लाएंगे यहां पे, तो ये H और फिर यहां पे OH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा ये O माइनस जो है इस H प्लस को ले लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, यहां से निकलेगा H2O बाहर और जाकर के आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ बन जाएगा ऐसा SO3H, नहीं यही है आपका थायोफिन 3-sulfonic acid, सल्फोनिक एसिड। आई होप कि आपको ये सारा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। चलो स्टेप कुछ नहीं किए हैं, स्टेप वन में H2SO4 लिए, 2 मोल इसका रिएक्शन करा है, हमको यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिला, साथ ही साथ HSO4- और H3O+ मिला, कैसे रिएक्शन हुआ देखिए आप। स्टेप टू में इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराए थायोफिन के साथ, तो जाकर के आपका ये बना, फिर स्टेप थर्ड में लॉस ऑफ प्रोटोन, लॉस ऑफ प्रोटोन करने के बाद फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना, और स्टेप फोर में गेन ऑफ प्रोटोन किया, तो जाकर के आपका राइट प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज थायोफिन 3-sulfonic acid। अगर आपको बाय प्रोडक्ट बनाना होगा तो बाय प्रोडक्ट के लिए आपको बताया कि ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है नीचे से शिफ्ट नहीं होगा, ऊपर से शिफ्ट होगा, तब जाकर के यहाँ पे क्या आएगा, ये ग्रुप जाकर के सेकंड पोजीशन पे लगेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिमिलर यहां पे हाइड्रोजन लगेगा सेकंड पोजीशन पे, और सेम काम वही काम करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर रिएक्शंस आपको समझ में आ गया तो आप फटाक से क्या कीजिए कि इसको नोट कीजिए, या एक मिनट बस रुक जाइए, ऊपर वाला ये जो है आपका सल्फोनेशन का रिएक्शन, इसको थोड़ा नोट कीजिए। तो पहले ये सल्फोनेशन का रिएक्शन इसको नोट कर लीजिए पहले इसको, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। एक नाइट्रेशन है आपका, वो भी क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है केमिकल प्रॉपर्टी में। तो नाइट्रेशन जो होता है वो सिमिलर होता है पायरोल और फ्यूरेन के जैसा, तो उसका बस हम रिएक्शन लिख कर रहे हैं, आप उसका मैकेनिज्म कर लीजिएगा, क्योंकि हम बता दिए ऑलरेडी किसमें पायरोल और फ्यूरेन में। केवल सल्फोनेशन का ये जो रिएक्शन है यहां से लेकर के यहां तक ये वाला बस लिखिए, मैकेनिज्म का पार्ट अभी छोड़ दीजिए, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, लिख लिए क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए सल्फोनेशन वाला, इसको मिटाते हैं। अब सेकेंड जो है इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है वो क्या है सो देखिए, सेकेंड इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है वो होता है नाइट्रेशन। क्या होता है नाइट्रेशन होता है,
इसको हम दूसरा लिखते रहे हैं कलर से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, ब्लू कलर से लिखते रहे हैं। क्या होता है? नाइट्रेशन होता है। अगर हम बात करें नाइट्रेशन का, तो नाइट्रेशन के लिए आप पढ़े थे जो पायरोल और फ्यूरेन में, सेम वही काम होगा। यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा कि आपको लेना होगा थायोफिन, बस डिफरेंट यही होगा कि थायोफिन यहाँ पे रहेगा, वहां पे पायरोल और फ्यूरेन था। इसका रिएक्शन आपको कराना है सबसे फर्स्ट इसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, और सेकेंड में इसका रिएक्शन कराना है आपको CH3CO का होल ट्वाइस O, नहीं तो जाकर के ये आपका क्या बनेगा, यहां पे जाकर के टू पोजीशन पे आपका क्या होता था, NO2 ग्रुप लगता था, यहां एक और सफर होगा, और इसका क्या नाम रहेगा, टू नाइट्रो थायोफिन, जैसे पायरोल और फ्यूरेन में होता था कि टू नाइट्रो पायरोल टू नाइट्रो फ्यूरेन, वैसे ही टू नाइट्रो थायोफिन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन आपका यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे हम सेम रिएजेंट यूज करते हैं जो कि यूज करते थे पायरोल और फ्यूरेन के केस में, तो इसका मैकेनिज्म उम्मीद है कि आप अप्रे से कीजिएगा, पहले नहीं होगा तो जाकर के आप पायरोल और फ्यूरेन का नाइट्रेशन देख करके इसको कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे तो दो दो बार आपको रिएक्शन मिला था, हो जाना चाहिए, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर जाकर के देखिएगा। तो चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, दैट इज क्लोरीनेशन। फटाक से मिटाएंगे इसको, नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोमिथाइलेशन, क्या क्लोरोमिथाइलेशन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। क्लोरोमिथाइलेशन की बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि थायोफिन जो है आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो जाकर के आपका क्या बनता है प्रोडक्ट, टू क्लोरोमिथाइल थायोफिन। आपको बता दें कि यहां पर भी टू पोजीशंस पे आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो आइए इसका क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं और फिर इसका मैकेनिज्म, दैट इज की पोस्टमार्टम करते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट इसका रिएक्शन लिखते हैं। आपको करना क्या है कि लेना है आपको थायोफिन, थायोफिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसका रिएक्शन आपको करना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है CH2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट क्या लेना है, HCl लेना है। तो जाकर के यहां से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ बनेगा ऐसा, नहीं क्या बनेगा, CH2 यहां पे Cl आएगा टू पोजिशन पे, और इसका नाम है टू क्लोरो मिथाइल थायोफिन, ठीक है। तो ये जो है आपका रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये समझने वाली बात ही नहीं है, सीधा जो स्टेटमेंट है उसी को हम क्या लिखे हैं, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिए हैं कि ये है थायोफिन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, जाके क्या बन रहा है, टू क्लोरोमिथाइल थायोफिन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है ऐसा। अब भाई हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है, नहीं तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म को देखिए करना क्या है, स्टेप वन में, स्टेप वन में क्या करना है कि आपको लेना है CH2 डबल बॉन्ड O, दैट इज की फॉर्मल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन आपको कराना है HCl के साथ। आप देखिए कि ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, H+ को ले लेगा, और यहां से Cl- बाहर निकल जाएगा। तो यहां से Cl- जो है आपका बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 नहीं डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ यहां पे बन जाएगा H। अब देखिए O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और यहां पे एक लोन पेयर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे और यहां से जो है जाकर के आपका क्या बन जाएगा, CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे एक बॉन्ड टूट गया और क्या बनेगा, CH2OH बनेगा। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग किसका, स्टेप टू का, क्या चीज का, स्टेप टू का। स्टेप वन आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप टू में कुछ करना नहीं है, सीधा सी बात है कि थायोफिन लाना है और इसका रिएक्शन इसके साथ करा देना है। तो थायोफिन हम लाते हैं, थायोफिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, यह है आपका थायोफिन, इसका रिएक्शन हमको कराना है CH2 पॉजिटिव OH के साथ। आपको बता दें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, नहीं तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये बॉन्ड जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पे चला, इस कार्बन पे चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहां से, सो देखिए
ये कुछ बन जाएगा यहां से ऐसा सल्फर, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया है। आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आप बॉन्ड दिखाइएगा, अगर आपको टू पोजिशन पर अटैक कराना है तो ऊपर से दिखाना होगा, थ्री पोजिशन पर अटैक कराना है तो नीचे से जाते हुए दिखाना होगा, नहीं तो अक्सर बच्चे का मार्क्स यहीं पे कट जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए। और क्या बनेगा, यहाँ पे जाके बनेगा एच और यहाँ पे सी एच टू ओ एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम लाएंगे सी एल माइनस, कहां से सी एल माइनस लाए, ये जो सी एल माइनस निकला था इसको अटैक करेंगे इसको अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पे, और ये H प्लस लेगा और ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और क्या बना लेगा, ये कुछ बना लेगा ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे CH2 क्या बन गया, OH बन गया, यहां से क्या बाहर निकला, HCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो स्टेप टू भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, स्टेप टू भी समझ में आ गया होगा। स्टेप थ्री में क्या करते हैं सो देखिए, स्टेप थ्री में इसका H+ के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, जो कि हमको क्या मिला है, प्रोडक्ट टू मिला है। तो प्रोडक्ट टू हमको कुछ ऐसा ही मिला है CH2OH, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, इस OH को आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे क्या है दो लोन पेयर है, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे H+ के साथ। होगा क्या कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से जाके कुछ बना लेगा आपका ऐसा CH2, डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन पहले से था, दूसरा हाइड्रोजन यहां से जाके लग गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर, और यहां से जाके आपका कुछ बन जाएगा ऐसा CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आपका यहां से निकल गया वाटर बाहर, ठीक है। अब क्या करेंगे, Cl- के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये जाके अटैक करेगा यहां पर और क्या बन जाएगा, ये जाके आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, That is कि CH2Cl, और इसका क्या नाम था, 2-chloromethylthiophene, क्या चीज, 2-chloromethylthiophene, तो आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे साइड में नीचे लिख दीजिए क्या नाम है इसका, 2-chloromethylthiophene, ठीक है, ये है आपका 2-chloromethylthiophene। तो उम्मीद है कि ये भी mechanisms आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज और बता दें कि कभी कभी कन्वर्जन जो है आपको पूछता है नहीं, थायोफिन टू कार्बिनोल का, तो आपको यहीं तक छोड़ देना है, इसका नाम क्या है, थायोफिन टू कार्बिनोल, थायोफिन टू कार्बिनोल, ये वाला जो है, ये वाला क्या नाम है, थायोफिन टू कार्बिनोल। तो क्लोरोमिथाइलेशन से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आध और केमिकल प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शंस विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, तो उसको भी देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट शायद डायजोमिथेन के साथ रिएक्शंस है उसको भी देखेंगे। डायजोमिथेन वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी पायरोल और फ्यूरेन के केस में, तो मिटाएंगे, फटाक से नोट कीजिए, कर लिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए अब बात करते हैं रिएक्शंस विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, क्या चीज, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करता है थायोफिन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टी में बताना जाता है आपको क्या, डायरेक्ट नेम रिएक्शंस पूछ देता है, सॉरी नेम रिएक्शन बोल रहे हैं, डायरेक्ट पूछ देता है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन बताइए, या तो फिर रिएक्टेंट देकर के प्रोडक्ट पूछता है इसका, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। इसका सबसे फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या है कि व्हेन थायोफिन इज रिएक्ट्स विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर to forms organolithium compound, thiophene का क्या करना है, reactions करना है organolithium compound के साथ, किस इनके presence में, dry ether के presence में, तो जाके आपका क्या बनेगा, organolithium compound ही बन जाएगा। और फिर जब उसका क्या करना है, CO2 के साथ क्या कीजिएगा, आप उसको react करेगा, followed by hydrolysis, तो जाकर के आपका बनेगा 2-carboxylic acid। आइए जब इसका हम reactions करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। करना क्या है, चीजों को समझिए, पहले आपको लेना है थायोफिन, तो ये है आपका थायोफिन, नहीं यहां पे दो लोन पेयर, इसका रिएक्शन कराना है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, दैट इज की एलआई सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। आपको बता दें कि ये जो एलआई है ये आपका डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और बाकी ये सारा कुछ जो है आपका क्या है, डेल्टा निगेटिव है, नहीं तो होगा क्या, ये बॉन्ड जो है आपका इस डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर के पास जाके अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ड्राई इथर के प्रेजेंस में जो है
ये कुछ आपका ऐसा बना लेगा, एस यहां पे लोन पेयर, ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, और यहां पे CH2 कहां से आ जाएगा, ये यहां पे एलाई जाकर के आएगा और यहां पे जाके आपका एच, ठीक है। देखिए मिस्टेक से वो लिखा गया था, क्या किया हम थायोफिन का रिएक्शन करा रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यही है, एलाई के पास डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर है और इधर वाला पार्ट पे क्या लगा है, डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर है ये पूरा होल पार्ट पे। तो होगा क्या कि ये जो है बॉन्ड ब्रेक होगा और जाकर के एलाई पॉजिटिव को क्या करेगा, एलाई पॉजिटिव के पास अटैक करेगा, एलाई पॉजिटिव के पास अटैक किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो जाके आपका कुछ बना ए। अब यहां से क्या करना है, तो देखिए यहां पे आपको लाना है यही वाला जो यहां पे निकला है CH2 CH2 CH3, तो यहां पे आपको क्या लाना है CH2 CH2 CH3। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और जाकर के आपका क्या बना लेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लेगा, क्या बना लेगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लेगा, दिस इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लिया, अब क्या करना है रिएक्शन में, सो देखिए अब इसका रिएक्शन कराना है CO2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो जाके क्या बनेगा थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी का रिएक्शन किसके साथ कराना है, सबसे फर्स्ट कराना है आपको CO2 के साथ और सेकेंड क्या करना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, नहीं तो इसको वाटर के साथ भी रिएक्शन करना है, मीन्स इसका हाइड्रोलिसिस भी करना है। जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो जाके आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है आपका ऐसा, टू पोजीशंस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहेगा और इसका नाम है थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको हम बता दें कि यहां से लेकर के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैसे बना, ये इसका मैकेनिज्म आपको हम बता दिए, ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का बचा मैकेनिज्म वाला पार्ट ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से लेकर के थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो इसी को हमको बताना है, ये मैकेनिज्म तो बता दिए यहां से यहां तक। अब बात करते हैं, ये है आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है, स्टेप टू कर लीजिए, ये है आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है, यहां पे एलआई है, इसका रिएक्शन हम लोगों को कराना है CO2 के साथ, नहीं CO2 के साथ, तो यहां पे ये जो एलआई है ये आपका डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर है और ये जो बाकी होल है ये इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। तो यहां पे होगा क्या, सो चीज देखिए, ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे और जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास नहीं जाकर के इस डेल्टा पॉजिटिव के पास चला जाएगा, यानी इसकी एलआई के पास चला जाएगा और यहां से क्या बना लेगा, यहां से कुछ बना लेगा आपका ऐसा, यहां पे एस और ये कुछ यहां पे ऐसा हो गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एलआई, देख लीजिए यही बनेगा या इसी सी ओ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड ओ इधर लिखिए नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जाकर के यहां पर आपका कुछ बन जाएगा ऐसा। अब क्या करेंगे हम इसका, अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या कि यहां पे आपका इधर एच और इधर ओ एच जाके क्या बन जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा एल आई ओ एच, ये वाला एल आई ओ एच और क्या बन जाएगा, जाके बन जाएगा आपका कुछ ऐसा सीओ ओ एच, टू पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा और इसी का नाम है थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम है थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सारा रिएक्शन सारा मैकेनिज्म इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है कि कहां पे क्या किए हैं। एक बार इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं रिकैप करते हैं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, थायोफिन का रिएक्शन कराना था ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, थायोफिन लिए इसका रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो इसका मैकेनिज्म जो है कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर, ये पूरा होल पे डेल्टा नेगेटिव, ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर के पास हो किया तो जाकर के कुछ ऐसा कंपाउंड बना, फिर इसका रिएक्शन कराए तो जाकर के आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना,
इसका फ्री रिएक्शन CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जाके आपका बन रहा है थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेकंड स्टेप में पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ इसका सॉरी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का कैसे CO2 के साथ रिएक्शन कराए और जाकर के हम बनाए थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डायजोमिथेन के साथ, तो उसको भी देख ही लीजिए, नहीं फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हम डिस्कस करते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस विथ डायजोमिथेन। अब लास्ट जो है हम बात करते हैं रिएक्शंस विथ डायजोमिथेन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आपको बता दें कि इसका भी रिएक्शन हम लोग पायरोल और फ्यूरेन दोनों केस में देख लिए हैं। तो आइए बस इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। बता दें कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नहीं ये सब रिएक्शन छोड़ के आपको नहीं जाना है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछा ही जाता है। तो आपको क्या करना है, लेना है थायोफिन। थायोफिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका रिएक्शन कराना है डायजोमिथेन के साथ, दैट इज CH2N2 के साथ, नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr। तो जाके क्या बनता है, क्या बनता है, कुछ ऐसा बनता है CH2 और ये, नहीं यही जाके बनता है। तो ये रिएक्शन जो है हम पायरोल के केस में ही डिस्कस किए हैं, फ्यूरेन के केस में डिस्कस किए हैं। वहां पे बस हेटेरो एटम्स में चेंजेस था, यहाँ पे सल्फर था, पायरोल के केस में कुछ अलग था और फिर फ्यूरेन के केस में कुछ अलग था। तो इसका मैकेनिज्म सिमिलर उसी टाइप से होगा, कर लोगे बता दे जल्दी बोलो। चलो बता लेते हैं एक लाइन का, इसलिए बता दे रहे हैं थोड़ा बड़ा रहता तो मेरा टाइम टेकिंग होता, इसलिए हम नहीं बताते क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं दोबारा डिस्कस करना मेरा फर्ज नहीं बनता है, आपका फर्ज बनता है कि प्रिंसिपल का प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद से पता भी चल जाएगा कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। पायरोल फ्यूरेन खत्म, वो सब पूरा आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो जब कंप्लीट हो गया तो ये रिएक्शन तो आसानी से बन जाता। लेकिन चलो बता देते हैं, दो मिनट लगेगा बस, जिसका हो गया है जा सकते हो वीडियो छोड़ करके, जिसको आता है मान लो वो जा सकते हो वीडियो छोड़ के, जिसको नहीं आता है थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे देखो करेंगे क्या, इसमें भी टू स्टेप रिएक्शंस करते हैं। स्टेप वन में क्या कर रहे हैं सो देखिए, फटाफट देखिए, CH2N2 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आपका दो दो लोन पेयर, ठीक है। इसमें होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि ये लोन पेयर इधर अटैक करता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या बना लेता है, तो जाके यहां से बना लेता है CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ N पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल हीटिंग करते हैं बाय स्मॉल हीटिंग। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होने के लिए ये बॉन्ड इधर चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां से आपका N2 गैस जो है बाहर निकल जाएगा। आपको बता दें कि स्मॉल हीट करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट में आपको हीट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस स्मॉल हीटिंग करना होगा और यहां से जाके बन जाता है CH2-, क्या बन जाता है CH2- बन जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब स्टेप टू में कुछ नहीं करना है, स्टेप टू में जो है आपको नॉर्मली थायोफिन लाना है। थायोफिन हम लेके आ गए, रेडी है थायोफिन रिएक्शंस करने के लिए। अब हम इसका रिएक्शंस करा रहे हैं CH2- के साथ। अब देखिए यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि अबव द प्लेन मींस ये जो नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर है, अबव द प्लेन क्या है लोन पेयर है और बिलो द प्लेन क्या होता है यहाँ पे वैकेंट होता है। तो अबव द प्लेन लोन पेयर है, ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे और बिलो द प्लेन वैकेंट है, ये जाके अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे जाएगा और जाकर के फर्दर क्या कर लेगा, कुछ ऐसा बना लेगा CH2, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिख दीजिए कि अबव द प्लेन क्या है लोन पेयर है, दैट इज की नेगेटिव चार्ज है एंड बिलो द प्लेन क्या है, प्लेन क्या है वैकेंट है। तो अबव द प्लेन लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और बिलो द प्लेन वैकेंट है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, सीधा बता करके क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया। तो यही था रिएक्शन विद डायजोमिथेन में, बहुत कुछ ये हार्ड रिएक्शन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए और जिसको आता होगा उसके लिए तो बहुत ही इजी लगा होगा, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 6-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करेंगे, क्या करेंगे 6-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहीं पे वो आपका एंड।
नेक्स्ट क्लास से सिक्स मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सिक्स मेंबर में हमको पढ़ना है पिरिडीन, पिरिमिडीन, फिर आइसोक्विनोल, ये क्विनोल, ये सब चीज पढ़ना है, तो हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।